नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। चाहे वो बिहार का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से बीपीएससी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछती आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। तो भारत एक विशाल देश है, इसकी विशालता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग भारत की आकृति, स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा हम लोग खींचते हैं इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कि ये इक्वेटर लाइन है। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, और ये फिर क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसके हम लोग पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है कहीं इधर लाइक करता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इस मैप के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं, यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और यह रहा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी उत्तर प्रदेश से गुजरता है, यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो यह है हमारा मानक समय। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3,234 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 2,933 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है पहले ही बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल वही बताए थे, 32,87,263 स्क्वायर, और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश का जो सीमा है यह है 4,096.7 किलोमीटर, सबसे लंबा यही सीमा रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच है 106 किलोमीटर जो कि सबसे कम है। भारत का पड़ोसी देश जो भारत से सीमा साझा करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और हम लोग आइलैंड को भी ऐड कर लेंगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। सबसे पूर्वी पॉइंट की वो थी अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी पॉइंट गुहार मोती गुजरात में है। चीन की सीमा से सटे जो राज्य या यूटी स्थित है वह इस प्रकार है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल से यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करती है। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सीमा साझा करती है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश,
और अफगानिस्तान से लद्दाख सीमा साझा करती है। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP, गुजरात। और शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले ज़िले, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो है राजस्थान में स्थित है, कच्छ गुजरात में और लेह लद्दाख में। भारत जो पड़ोसी देश से सीमा बनाती है उसका नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। तो विभाजन से पूर्व भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था, लेकिन वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से जोड़ती है या अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, जबकि मनारी खाड़ी और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं जो कि है गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को हम लोग शून्य रेखा बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अंडमान निकोबार को हम लोग मरकत द्वीप या फिर एमरोल्ड आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, मरुस्थलीय भाग एवं द्वीप समूह। हिमालय, हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके नीचे आता है बृहद हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नमचा पर्वत तक है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय में ही पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर और महावास श्रेणी स्थित है, और उसके नीचे आता है शिवालिक हिमालय। पटकाई भूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, ये जो है पूर्वांचल हिमालय का भाग है। यहीं पर 3 पहाड़ी है, गारो खासी, जयंतिया, जो कि मेघालय में स्थित है। नदी घाटी के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सिडनी बुराड नामक भूवैज्ञानिक ने हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया। पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच फैला हुआ है। उसके बाद कमाऊं हिमालय, जो कि सतलज नदी से काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय, काली नदी और तिस्ता के बीच, और असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में। ये वाला रीजन जो है ये हमारा है उत्तर भारत का मैदान। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले में है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर है अरावली, इसके बाद नर्मदा के ऊपर विंध्यन पर्वत और नर्मदा के नीचे सतपुरा, यानी कि विंध्यन और सतपुरा के बीच से होकर के नर्मदा गुजरती है। यह है पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट। तटवर्ती मैदान के बारे में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ का मैदान। मुंबई और गोवा के बीच कोंकण तट, गोवा और मंगलुरु के बीच कर्नाटक तट, और मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच मालाबार तट। महानदी और कृष्णा नदी के बीच वाले तट को हम लोग बोलते हैं
उत्तरी सरकार तट, कृष्णा और कावेरी के बीच वाले तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पर है नीलगिरी और इसके जस्ट नीचे है अनायमुडी की पहाड़ी। यह है भारत का मरुस्थल जिसको हम लोग बोलते हैं थार मरुस्थल। भारतीय द्वीप को दो भागों में बांट सकते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में है उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो अरब सागर में है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। अब हम लोग देखते हैं बिहार का भूगोल। तो बिहार का भूगोल देखने से पहले बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो राजकीय वृक्ष है पीपल, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पक्षी गोरैया, पहले नीलकंठ था। और राजकीय पशु बैल। बिहार का स्थापना होता है 22 मार्च 1912 को और इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका अक्षांश विस्तार है 24° 20' 10" से 27° 31' 15" उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार है 83° 19' 50" से 88° 17' 40" पूर्वी देशांतर। बिहार का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई है 483 किलोमीटर। नेपाल से बिहार का 7 जिला सीमा बनाती है। यह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखिएगा PPSMSAK। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, एम से मधुबनी, एस से फिर सुपौल, ए से अररिया और के से किशनगंज। बिहार का 8 जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। ये जिला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसको इस तरीके से याद रखिएगा PGSSBBKR, यानी कि पी से पश्चिम चंपारण, जी से गोपालगंज, एस से सिवान, एस से सारण, बी से भोजपुर, बी से बक्सर, के से कैमूर और आर से रोहतास। झारखंड से सीमावर्ती जिले 8 हैं। यह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, उसके बाद कटिहार। इसको ऐसे याद रखिएगा RAGNJBBK। दो तीन बार इसको याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। R से रोहतास, A से औरंगाबाद, G से गया, N से नवादा, J से जमुई, B से बांका, B से भागलपुर और K से कटिहार। पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा बनाती है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, KP के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार की भूगर्भिक संरचना, चट्टानों के प्रकार, धारवार चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्सरी चट्टान एवं क्वार्टरनी चट्टान। धारवार चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार में फैला हुआ है, जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवार कर्म की है, और यहाँ पर जो है अभ्रक यानी कि मायका का निश्चय पाए जाते हैं, यानी कि मायका जो है मुंगेर, जमुई और नवादा में मिलेगा। विंध्यन चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर, रोहतास, रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है, और यहाँ पर जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी पत्थर का निश्चय पाए जाते हैं। टर्सरी चट्टान हिमालयी तराई वाले क्षेत्र में टर्सरी चट्टान पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण में आपको यह चट्टान मिलेगा। क्वार्टरनरी चट्टान हिमालय एवं छोटा नागपुर का पठार, भू आकृति विभाजन। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है, शिवालिक श्रेणी, गंगा का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो शिवालिक श्रेणी की सबसे
सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर, जिसकी हाइट है 774 मीटर और यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। गंगा के मैदान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार ज़िले आते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा के मैदान में पटना, गया, राजगीर, शेखपुरा, बिहार शरीफ आदि ज़िले आते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक जलमग्न भूभाग यानी कि निम्न भूमि को हम लोग चौर बोलते हैं, लखनी चौर जो कि पश्चिम चंपारण में है, बहादुर या सुंदरपुर चौर जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्न भूमि को टाल क्षेत्र कहा जाता है और बढ़िया और मोकामा टाल जो है प्रसिद्ध है। दियारा भूमि गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति को हम लोग दियारा भूमि कहते हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कैमूर का पठार जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। मंदार पर्वत भी दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ही स्थित है। मंदार पर्वत बांका में है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो कि मुंगेर में है, गिद्धेश्वर जमुई में है। तो ये सब जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। करमनासा, घाघरा और गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु जिसको हम लोग निरंजना रिवर भी बोलते हैं, क्यूल और अजय। गंगा सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर, इसका उद्गम होता है गोमुख गंगोत्री उत्तराखंड से और यह बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा के तट पर बसे 12 ज़िले इस प्रकार है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, और पटना में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है 99 किलोमीटर। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, भागलपुर में गंगा नदी पटना के बाद सबसे लंबी है 97 किलोमीटर, फिर उसके बाद कटिहार। बिहार में प्रवेश चौसा बक्सर में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगबो के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और कक्षकरण में विलुप्त हो जाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ घाघरा यानी कि सरयू नदी रेविलगंज छपरा में मिलती है। गंडक इसको सप्तगंडकी नारायणी या सालिग्रामी के नाम से भी जानते हैं। यह गंगा से पहलेजा घाट पटना में मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक इसको कहा जाता है और यह कुरुसेला कटिहार में गंगा से मिलती है। सोन नदी पटना के निकट, पुनपुन नदी फतुहा पटना के निकट, करमनासा नदी यानी कि अशुभ नदी यह चौसा के पास गंगा से मिलती है और क्यूल नदी लखीसराय में गंगा से मिलती है। भारत की कुछ प्रमुख नदियों को हम लोग मैप पे देख लेते हैं। तो यह है सिंधु नदी, फिर इधर है झेलम रिवर, फिर चेनाब, राबी, फिर ये ब्यास है और ये फिर सतलुज है।
तो झेलम, चेनाब, रावी, बेया, सतलुज, यह सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, जबकि रावी, बेया, सतलुज रिवर के पानी पर भारत का कंट्रोल है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में हुआ था। यह साबरमती रिवर, फिर माही रिवर, नर्मदा रिवर और तापी रिवर, यह चारों रिवर जो है अरब सागर में गिरती है। वैसे भारत की अधिकांश नदियाँ इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन साबरमती, माही, नर्मदा और तापी जो है अरब सागर में गिरती है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और ये रहा कावेरी, ये चारों नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सांगपो रिवर, इसको यहाँ पर हम लोग अरुणाचल के आसपास दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं, और आसाम में उसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। गंगा रिवर, गंगा रिवर फरक्का डैम के पास, जो कि वेस्ट बंगाल में है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और इसके अलावा एक धारा जो है यह बांग्लादेश में चली जाती है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और यमुना से जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन या करके मिलती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट, झेलम, बेरीनाग, जम्मू कश्मीर, चेनाब रिवर, बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, राबी, रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, ब्यास, ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सतलज रिवर, राकस ताल तिब्बत, नर्मदा रिवर अमरकंटक, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश। तापी रिवर मुलतई बैतूल मध्य प्रदेश, महानदी सिवाहा पहाड़ी छत्तीसगढ़, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटका। महत्वपूर्ण नदियाँ की सहायक नदियाँ, महानदी इनकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब एवं तेल, गोदावरी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेननाग, इंद्रावती। कृष्णा रिवर की सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी रिवर की सहायक नदी अमरावती, भवानी, काबिनी और हेमावती। सिंधु रिवर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, श्योक, जास्कर, गिलगित, हुंजा, काबुल, नुबरा। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। सतलज की सहायक नदी स्फीति। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, कपेली, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, जिला रेली, संगोस और लोहित। बिहार में आर्द्र भूमि स्थल कामर ताल, यह बेगूसराय जिला में स्थित है, और कामर ताल 38वां रामसर साइट घोषित किया गया। बरेल झील, वैशाली, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। बिहार की मिट्टियाँ, बिहार के अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट सकते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी इसको खादर भी कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको बांगर भी कहा जाता है। बिहार की मिट्टियाँ एवं उनके प्रमुख क्षेत्र। तराई मिट्टी, इसका भौतिक एवं रासायनिक लक्षण है रेत व कंकर युक्त, भूरा एवं हल्का पीला। चंपारण एवं किशनगंज जिला में यह मिलता है, और इनमें जो है धान, पटसन एवं गन्ना की खेती की जाती है। बलसुंदरी मिट्टी चूना एवं क्षारयुक्त, गहरा, भूरा एवं सफ़ेद। सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जिलों में बलसुंदरी मिट्टी मिलती है, और यहाँ पर जो है गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू की खेती की जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर, चूना व झाड़ की कमी, गहरा एवं काला रंग।
यह मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं भागलपुर ज़िलों में मिलता है। और यहाँ पर जो है जूट, गन्ना, गेहूँ, धान, मक्का, चना, अरहर की खेती की जाती है। बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्षारीय एवं अम्लीय होता है, गहरा भूरा कलर का होता है और यह गया, पटना, रोहतास में पाई जाती है। इसमें जो है धान, गेहूं, अरहर, बाजरा एवं ज्वार की खेती की जाती है। टाल भूमि दूसरा रंग का होता है और यह पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में मिलेगा। इस पे जो है दलहन, तिलहन एवं गेहूं की खेती की जाती है। बलथर रेत एवं कंकरयुक्त अम्लीय लाल मिट्टी होती है, यह कैमू क्षेत्र में मिलता है और यहाँ पर ज्वार, बाजरा, अरहर की खेती की जाती है। सिंचाई इनके स्रोत हैं नलकूप, नहर, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है 63.5%, नहर से 30.2% और अन्य स्रोतों से 6.3%। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई समस्तीपुर में किया जाता है जबकि नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में होता है। बिहार की प्रमुख नहरें, तो सोन नदी से पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नामक नहर निकलती है। गंडक नदी से त्रिवेणी, तिरहुत और त्योर नामक नहर निकलती है। कमला नदी से कमला नहर और कोसी नदी से पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। बिहार की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार का है। जलवायु वर्गीकरण कोपेन के हिसाब से उत्तरी बिहारी भाग CWG में रखा है और दक्षिणी बिहार को AW के अंतर्गत रखा है। थॉर्नेट के द्वारा जलवायु वर्गीकरण में अधिकांश भाग CA-W के अंतर्गत आता है जबकि उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र CB-W के अंतर्गत आता है। टीवार्था के हिसाब से देखें तो उत्तरी भाग CA-W के अंतर्गत और दक्षिणी भाग AW जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। बिहार की ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर के बीच, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के बीच। 2020 में बिहार में औसतन वर्षा 1385 मिलीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज 2765 मिलीमीटर, इसके बाद सुपौल में 1953 मिलीमीटर, सबसे कम वर्षा अरवल 769 मिलीमीटर और बाढ़ के कारण प्रभावित ज़िले हैं 19। यह डेटा जो है लेटेस्ट है और इसको हम लिए हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इसमें 8 जिले आते हैं, दक्षिणी क्षेत्र इसमें 17 जिले आते हैं और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसमें 13 जिले आते हैं। चावल के उत्पादन में शीर्ष राज्य रोहतास और रोहतास में यूरिया का सर्वाधिक खपत होता है, लेकिन हम लोग उत्पादकता में बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक उत्पादकता है चावल का। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन रोहतास और सर्वाधिक उत्पादकता में बेगूसराय 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का में कटिहार सर्वाधिक उत्पादन और अररिया में सर्वाधिक उत्पादकता 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दलहन पटना में सर्वाधिक उत्पादन और उत्पादकता के हिसाब से देखें तो जहानाबाद, जहां पर 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दलहन होता है। अमरूद में नालंदा, आम दरभंगा, आलू में पटना, प्याज नालंदा, मछली में मधुबनी, ईख पश्चिम चंपारण और लीची में मुजफ्फरपुर जिला शीर्ष पर है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, चावल विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल, गेहूं आलू में चीन, भारत में उत्तर प्रदेश, मक्का अमेरिका, भारत में कर्नाटक। दलहन या दालें विश्व में प्रथम भारत, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश, मूंगफली चीन, गुजरात, भारत में प्रथम
गन्ना में विश्व में प्रथम ब्राज़ील, भारत में उत्तर प्रदेश, जूट विश्व में प्रथम भारत, और भारत में पश्चिम बंगाल, तंबाकू विश्व में प्रथम चीन, और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर विश्व में प्रथम थाईलैंड, और भारत में प्रथम केरल, कॉफ़ी विश्व में प्रथम ब्राज़ील, भारत में कर्नाटक, सूरजमुखी यूक्रेन कर्नाटक, ज्वार विश्व में प्रथम अमेरिका, भारत में महाराष्ट्र, कपास चीन, भारत में प्रथम गुजरात, प्याज में चीन है और भारत में प्रथम महाराष्ट्र, चाय में भी चीन ही है और भारत में प्रथम है असम, सोयाबीन विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश, दूध चीनी मसाला और तिलहन में भारत प्रथम स्थान पर है, दूध में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र, मसाला में मध्य प्रदेश एवं तिलहन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। वन एवं वनस्पति चैंपियन एवं सेट 1968 के वर्गीकरण के अनुसार बिहार में कुल चार प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, सबसे कम क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही वन पाया जाता है, और इसके बाद है चौथा दलदली वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, लगभग 40.86% क्षेत्र पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, प्रति दो वर्ष पर यह स्थिति रिपोर्ट निकाली जाती है और सर्वप्रथम 1987 में निकाला गया था, और इसमें जो उपग्रह यूज हुआ है उसका नाम है रिसोर्स सैट 2। वनावरण 7381 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत 7.84%, और इसमें वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर स्क्वायर का। वृक्षावरण 2341 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज में 2.48%, और इसमें वृद्धि हुआ है 338 किलोमीटर स्क्वायर का। अभिलिखित वन क्षेत्र 7442 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज में देखें तो 7.90%। सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले शेखपुरा, यहाँ पर मात्र 1.19 किलोमीटर स्क्वायर ही वन क्षेत्र है। इसके बाद अरवल, फिर जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले क्षेत्र कैमूर, जमुई, नवादा, और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज। बक्सर और सिवान में 0.3% है, इसीलिए दोनों एक साथ रखे हुए हैं। सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में बांका में हुआ है, और सर्वाधिक नुकसान वनावरण में कैमूर में हुआ है। लो फैट नमकीन क्षेत्र पर पाई जाने वाली वनस्पति लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति ट्रोपोफाइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति जेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। वन्यजीव अभयारण्य बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% आवरण करते हैं। बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर पटना में अवस्थित है। अररिया जिला के रानीगंज के वृक्ष वाटिका में दूसरा चिड़ियाघर की स्थापना का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या वर्ष 2010 से 8 बढ़कर वर्ष 2018 में 31 हो गई है। भागलपुर में गंगा में अवस्थित विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, गांगे डॉल्फिन यानी कि सुंस, ताजे पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के
पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। राज्य में जल पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए 5 पक्षी अभयारण्य हैं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर ताल, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य एवं सलीम अली जुबा सानी बरेला झील पक्षी अभयारण्य, जिसको हम लोग बरेला ताल भी बोलते हैं, प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी यानी कि जू सफारी को स्थापित करने का प्रस्ताव है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त किया हुआ है। गया जिला में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। वाल्मीकि बाग, शरणास्थली, पश्चिमी चंपारण, भीमबांध, वन्यजीव अभयारण्य, मुंगेर, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गया पंत वन्यजीव अभयारण्य, नालंदा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर और रोहतास, रजौली या नवादा वन्यजीव अभयारण्य, नवादा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम चंपारण, नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, यह दोनों जमुई में स्थित है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा, सलीम अली जुबा सानी बरेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है और विक्रमशिला गांगुई डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। पर्वत पठार एवं दर्रे, आरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है तथा इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी 2695 मीटर ऊंची है और यह केरल में स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दोदाबेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में स्थित है। कार्डामम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। हिमालय के पर्वत चोटी क्रम, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर भारत लद्दाख में स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर नेपाल एवं सिक्किम की सीमा पर। नंगा पर्वत 8126 मीटर जम्मू कश्मीर में और नंदा देवी 7816 मीटर उत्तराखंड में स्थित है। पर्वत पहाड़ियाँ एवं कहाँ स्थित है इसको देखते हैं तो बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला महाराष्ट्र में, गारो खासी जयंतिया मेघालय, गिरी मांडव गुजरात में, गढ़जात ओडिशा, सेवराय तमिलनाडु, तिरुमल्ला आंध्र प्रदेश, कैमूर मध्य प्रदेश से बिहार तक, नागा नागालैंड, मिजो हिल्स मिजोरम, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, मिकिर असम, अजंता महाराष्ट्र, अरावली गुजरात से दिल्ली तक, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, मैकाल अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जवादी तमिलनाडु, डफला मिशमी पूर्वोत्तर भारत। कश्मीर घाटी हिमाद्री एवं पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। करेबा कश्मीर हिमालय में पाए जाने वाली तलहट निश्चय प्राकृति जाफरान कृषि हेतु प्रसिद्ध। दर्रे एवं कहां पर है इसको देख लेते हैं। काराकोरम जो जिला लद्दाख में, सिपकिला रोहतांग बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, माना लिति लुपिलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला जेलपला सिक्किम, बोमडिला दीफू अरुणाचल प्रदेश में, तालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरला में। विश्व के प्रमुख पठार, ओजार्क ग्रेट बेसिन कोलंबिया और पीडमोंट यूएसए में स्थित है। चियापास मेक्सिको में, मोटो ग्रासो ब्राज़ील में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में और गियाना वेनेजुएला में स्थित है। पर्वत
समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचा भूभाग जिसका शीर्ष नुकीला या चोटी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत कहते हैं। विश्व के पर्वत श्रेणी और यह कहाँ स्थित है उसको देख लेते हैं। डार्लिंग श्रृंखला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एंडीज, द चचनी आल्प्स, न्यूजीलैंड, रॉकी, उत्तरी अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, हिमालय, भारत, नेपाल, चीन आदि देशों में फैला हुआ है। अरकानायोमा, म्यांमार, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका, पेनाइन, यूरोप, एटलस, अफ्रीका, कैंटाबेरियन, स्पेन, अलब्रुस, रूस में स्थित है, एलबुर्ज, जागरोस, ईरान, एपिनाइन, इटली, पिरेनीज, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, मैकिनले, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूराल और काकेकस, रूस में स्थित पर्वत है। अब हम लोग बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में देख लेते हैं। कौन सा खनिज कहाँ मिलता है इसको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक है बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट का ट्रिक है बीमार, B4 बॉक्साइट, M से मुंगेर और R से रोहतास, फेल्सपार, FM गाय जौ, F से फेल्सपार, M से मुंगेर, ग से गया और जौ से फिर जमुई। फायर क्ले, फायर को देख करके बहुत का BP हाई हो जाता है, तो फायर क्ले का BP है B4 भागलपुर, P से पूर्णिया। ग्रेनाइट का जा भाग जा, जो से जमुई, भाग से भागलपुर और फिर गौ है तो गौ से गया, यानी कि जमुई भागलपुर गया में ग्रेनाइट मिलता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के लिए कड़म है, यहाँ पर A साइलेंट है, K4 कैमूर, R से रोहतास और M से मुंगेर। क्वार्टर्स सिलिका, इसके लिए ट्रिक है मांझा भाई, M से मुंगेर, N से नवादा, J से जमुई और भाई से भागलपुर याद रखेंगे। लेड जिंक का है BR, B4 बांका, R4 रोहतास। सीमेंट के लिए है बिटिया और मतरो, तो बिटिया से बिहटा याद रखेंगे और से औरंगाबाद और रो से रोहतास याद रखेंगे। आयरन, आयरन का जो ट्रिक है गम को भूल जाओ, तो ग से गया याद रखेंगे, भ से भागलपुर और जो से फिर जमुई। तो आयरन जो है गया, भागलपुर, जमुई मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ प्रमुख खनिज जो बिहार के अलग अलग ज़िलों में मिलता है उसको हम लोग यहाँ पर देख लिए। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व, तो कोयला विश्व में प्रथम चीन, भारत में प्रथम छत्तीसगढ़, हीरा रूस, मध्य प्रदेश, तांबा विश्व में प्रथम चिली, भारत में मध्य प्रदेश, लौह एक्स ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा, चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मेक्सिको में और भारत में राजस्थान में होता है। कच्चा तेल अमेरिका, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा विश्व में रूस में और भारत में असम में, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, ओडिशा। मैग्नीज विश्व में सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन होता है और भारत में मध्य प्रदेश में, सोना का चीन में, जबकि भारत में कर्नाटक में। अभ्रक चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन में सबसे ज़्यादा, और कैडियम ये भी चीन में सबसे ज़्यादा, और टंगस्टन और कैडियम जो है भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निकेल इंडोनेशिया, भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, भारत में उड़ीसा। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में और सीसा का भी चीन में। टीन का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में और सीसा का होता है राजस्थान में। और प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में दक्षिण अफ्रीका में और भारत में उड़ीसा में होता है। प्रमुख खनन स्थल, तो लोहा का जो खनन स्थल है ये है कुद्रेमुख, बाबा बुदन, बेलारी, ये सभी जो है कर्नाटक में है, और बैला ढीला ये जो है छत्तीसगढ़ में है। तांबा का प्रमुख खनन स्थल मलजखंड मध्य प्रदेश में, झुंझुनू खेतरी राजस्थान में। टीन का छत्तीसगढ़ में है, और अभ्रक जो है ये हजारीबाग कोडरमा झारखंड में,
और गया और मुंगेर बिहार में। अब बिहार में ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में हुआ और मार्च 2020 में राज्य में कुल विद्युत उत्पादन 6073 मेगावाट था और 2020-21 में यानी कि जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 उसके हिसाब से 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन जो है 6422 मेगावाट है। राज्य में 19-20 में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता 320 किलोवाट घंटा है और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यह 350 है। तो आप लोग जो है लेटेस्ट डाटा ही याद रखेंगे यानी कि 350 किलोवाट घंटा। 2020-21 में बिजली खपत में शीर्ष जिले पटना, गया और मुजफ्फरपुर। बिजली खपत में सबसे पिछले तीन जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा। राज्य में 13 लघु जल विद्युत परियोजना चालू है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। राज्य में 12 और योजनाएं का कार्य प्रगति पर है। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना 2012 के तहत नवंबर 2012 में बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया गया। पहला है बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दूसरा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, तीसरा है बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, चौथा उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पांचवा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। चौसा बक्सर में सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, पीरपैंती भागलपुर में NHPC, कजरा लखीसराय में NTPC के साथ 660 मेगावाट के विद्युत संयंत्र निर्माणधीन है। बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निर्माणधीन है और मथौली जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण 800 किलोवाट का है। बिहार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी, अरवल में अगनूर बेलसार, रोहतास में डेहरी श्रीखंडी सेबरी जौनागरा और नसीरगंज, सुपौल में कटैया और औरंगाबाद में वरुण। बिहार सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं गेल के साथ गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है और गेल गैस पाइपलाइन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर से जाएगी। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र रावतभट्टा राजस्थान में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कल्पकम कुडनकुलम तमिलनाडु में, जैतपुर महाराष्ट्र में और मीठी वर्दी गुजरात में। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अनुसंधान अप्सरा, भारत में तापीय शक्ति क्षमता 31 जनवरी 2021 तक के अनुसार शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। भारत में पवन ऊर्जा का स्थापित क्षमता के संदर्भ में 3 शीर्ष राज्य है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ज्वारीय ऊर्जा के केंद्र कक्ष की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। भारत की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं सलाल चिनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर में, चमेरा रावी रिवर पर हिमाचल प्रदेश, इंदिरा सागर नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश, उरी झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर और टिहरी जो है भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड में। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र कहलगांव भागलपुर में है, बाढ़ पटना, बरौनी बेगूसराय, कांटी मुजफ्फरपुर, नबीनगर औरंगाबाद, बक्सर बक्सर। बिहार की जनजातियाँ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 13,36,573 है जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 6,82,516 और महिलाओं की जनसंख्या 6,54,057 है। लिंगानुपात 958, शिशु लिंगानुपात 969। साक्षरता प्रतिशत देखें तो कुल जो है 51.1% पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 61.3%, वहीं महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 40.4%। बिहार में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जनजातियां है संथाल जो कि भागलपुर सहरसा और पूर्णिया में पाई जाती है। उसके बाद गोंड, गोंड जो है छपरा चंपारण रोहतास में पाया जाता है। उसके बाद थारू,
उरांव, उरांव जो है चंपारण, भागलपुर, रोहतास, बक्सर, दरभंगा में और खैरवार जो है रोहतास में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जनजातियाँ इस प्रकार है, कोल, मुंडा, मुंडा बक्सर में, चेरो जो है गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले पश्चिम चंपारण, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया और न्यूनतम बात करेंगे तो सबसे कम जो है जनजाति शिवहर में मात्र 318, उसके बाद अरवल, फिर शेखपुरा में। बिहार में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम चंपारण में रहती है। थारू जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजातियाँ भील, गोंड, संथाल। तो यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण जनजाति और ये लोग कहाँ रहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी क्षेत्र अफ्रीका, जोलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, भद्दू अरब क्षेत्र, खिरगिज मध्य एशिया, एस्किमो अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, एनू जापान, टोडा तमिलनाडु, ओंगो जाड़बा, सेंटिनेली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा सेम्पेन, ग्रेट अंडमानी, ये सब भी अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। कुकी जनजाति मणिपुर, गोंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश और भील जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 16 का फोर का क, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य के अधीन सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो बिहार में 243 विधानसभा सीट है, उसमें से अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए 38 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए एससी एसटी के दावे। अनुच्छेद 338 क, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। भारत में अनुसूचित जनजातियाँ जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में भागीदारी 8.6%। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में एसटी जनजाति नहीं है। प्रमुख झील के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार की प्रमुख झील। खड़गपुर झील मुंगेर में है, कांवर झील बेगूसराय, गोगाबील झील कटिहार, अनुपम झील कैमूर में है और अनुपम झील जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत स्थित है। बरेल झील वैशाली। विश्व के प्रमुख झीलें ग्रेट लेक्स, सुपरियर लेक, ह्यूरोन लेक, मिशिगन, एरी, ओंटेरियो। इसमें से केवल मिशिगन जो है यूएसए में है, जबकि अन्य कनाडा एवं यूएसए में विस्तृत है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से टिटिकाका, बोलिविया और पेरू में विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी एवं खारे पानी की सबसे बड़ी झील। बैकाल झील साइबेरिया रूस विश्व की सबसे गहरी एवं प्राचीनतम झील। मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील समुद्र तल से। भारत के प्रमुख झील के बारे में देख लेते हैं। सांभर झील सांभर राजस्थान में है, चिल्का झील ओडिशा, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, डल और उलर झील जम्मू कश्मीर में, बेम्बा नद अष्टमुडी केरल में और हुसैन सागर जो है तेलंगाना में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
केबू लामजाओ तैरता पार्क लोकटक झील पर ही है। सैलिनिटी यानी कि लवणता, तो समुद्र में या ओशियन में जो है सबसे ज़्यादा जो है सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलता है 77.8%, और सबसे ज़्यादा लवणता जो है वान झील तुर्की का है, उसके बाद मृत सागर का, फिर ग्रेट साल्ट लेक का है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख झील। ग्रेट सेलेब, विनिपेग, ग्रेट बियर कनाडा में, लदोगा ओनेगा रूस में, बालखस कजाकिस्तान, विक्टोरिया युगांडा केनिया और तंजानिया, टाना झील इथोपिया, चाड नाइजर नाइजीरिया चाड एवं कैमरून, उर्मिया झील ईरान, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, मराकैबो झील वेनेजुएला, वान झील तुर्की, मृत सागर जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक, करीवा जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोल्टा झील घाना में है। अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं ये देखते हैं। तो सोनोरन, चुहुआहुआ, ये जो है दोनों मरुस्थल यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है। डेथ वैली और मोजाबे, ये दोनों यूएसए में है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में, पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में और कालाहारी बोत्सवाना में। एशिया, दस्ते लुट मरुस्थल ईरान में और दस्ते कबीर मरुस्थल भी ईरान में ही है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। किजलकुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में, तकला मकान चाइना में और गोभी मरुस्थल मंगोलिया चीन में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मरुस्थल, तो यहाँ पर जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ये है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये तनामी मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल और ये गिब्सन मरुस्थल। तो पांच प्रमुख मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन और गिब्सन। मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले शुष्क क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, महाद्वीपों के प्रायः पश्चिम में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में, जैसे कि आटाकामा, सहारा, कालाहारी, नामीब, अरब, थार, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सहारा व्यापारिक मरुस्थल एवं थार मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट मरुस्थल, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, गोभी, पैटागोनिया, लद्दाख, मोजाबे, तकला मकान, काराकुम, ये सब जो है शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। गोभी यांत्रिक मरुस्थल अंटार्कटिका एवं आर्टिक ध्रुवीय मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। घास के मैदान, तो घास के मैदान को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य, सावाना अफ्रीका में, लानोज वेनेजुएला में, कैंपास ब्राज़ील में, पैराग्वे अर्जेंटीना, उरुग्वे में, सेल्वा अमेजन में पाए जाने वाली भूमसागरीय वर्षा वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, पियरी घास के मैदान यूएसए में और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे में, स्टेपी यूरेशिया में यानी कि एशिया यूरोप में, स्टेपी घास के मैदान वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में और डॉन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। जलप्रपात, तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात कैमूर में है, तलहार कुंड, नवादा में ककोलत जलप्रपात, ककोलत पहाड़ी में लगभग 160 फीट ऊंची, सासाराम में तुतला मझर कुंड, धुआं कुंड, धोबी नदी पर।
अब भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। जोगिया गोरसोपा शरावती कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती रिवर पर है। शिव समुद्रम कावेरी रिवर पर कर्नाटका में कपिल धारा, नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में, धुआंधार भी नर्मदा पे ही है मध्य प्रदेश में, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, हुनरू जलप्रपात सुवर्णरेखा झारखंड में और दूधसागर मांडवी गोवा में। विश्व के प्रमुख जलप्रपात साल्टो एंजेल रियो करोनी नदी वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 979 मीटर विक्टोरिया। जाम्बेजी नदी जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर और नियाग्रा नियाग्रा नदी पर यूएसए कनाडा सीमा पर। विश्व के प्रमुख गर्त इससे भी सवाल आते रहता है, तो मेरियाना गर्त 1133 मीटर गहरी और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा टोंगो रामपो क्यूरैल स्क्वायर यह सभी प्रशांत महासागर का ही गर्त है। रामपो गर्त जापान में जबकि स्क्वायर गर्त फिलीपींस में स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और टोए मेंटिना और सुंडा हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा जावा के पास में स्थित गर्त है। महासागरीय धाराएं उष्ण जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित जलधारा को उष्ण जलधारा बोलते हैं। तो हिंद महासागर में मोजाम्बिक धारा अगुलहास धारा विषुवत रेखीय धारा, अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा धारा गल्फ स्ट्रीम इरमिंगर नॉर्वे धारा और ब्राज़ील धारा, प्रशांत महासागर में बहने वाली उष्ण जलधारा का नाम है किरोसिबो एलुसियन सुसीमा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन अलास्का करेंट एवं अलनीनो। ठंडी जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित जलधारा हिंद महासागर में पछुआ पवन प्रवाह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, अटलांटिक महासागर में कनारी धारा लेब्राडोर धारा फॉकलैंड धारा बेंगुला धारा और दक्षिण अटलांटिक धारा, और प्रशांत महासागर में ओयासिबो क्यूरैल हम्बलबोल्ट कैलिफोर्निया धारा और अलास्का स्ट्रीम बहने वाली प्रमुख ठंडी जलधारा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित देश यानी कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो देश स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में हवाई द्वीप यूएसए मेक्सिको बहामास, अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा मोरितानिया मिस्र अल्जीरिया लीबिया माही चाड और नाइजर, जबकि एशिया में स्थित देश है सऊदी अरबिया यूएई ओमान भारत बांग्लादेश म्यांमार चीन और ताइवान। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित देश इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राज़ील, अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य गैबन कांगो गणराज्य युगांडा केनिया सोमालिया साओ टोमोर प्रिंसिप, एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया और ओशिनिया में किरीबाती। मकर रेखा पर स्थित देश यानी कि 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ब्राज़ील पराग्वे अर्जेंटीना और चिली, अफ्रीका में बोत्सवाना मोजाम्बिक नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर, और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस का द्वीप है और टोंगा। विभिन्न सागर एवं सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ से भी सवाल आते रहते हैं। काला सागर रूस जॉर्जिया तुर्की बुल्गारिया रोमानिया और यूक्रेन, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान अजरबैजान और रूस, अराल सागर से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सटता है जबकि भूमध्य सागर से तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल मिस्र लीबिया ट्यूनिसिया अल्जीरिया मोरक्को माल्टा स्पेन फ्रांस इटली ग्रीस मोनाको स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना और मोंटानिग्रो, उसके अलावा अल्बेनिया। तो यह सब जो है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सागर के आसपास लगने वाले देश हैं। दक्षिण चीन सागर चीन ताइवान फिलीपींस मलेशिया ब्रुनेई इंडोनेशिया सिंगापुर और वियतनाम, पीला सागर से चीन उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, बाल्टिक सागर से स्वीडन फिनलैंड एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया रूस पोलैंड जर्मनी और डेनमार्क। भौगोलिक या राजनीतिक क्षेत्र एवं संबंधित देश एवेरियन प्रायद्वीप स्पेन और फ्रांस बाल्टिक देश एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया ग्रेट ब्रिटेन
इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तर आयरलैंड, स्कैंडिनेविया एंड नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्डिक देश, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फ्रो द्वीप। ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश, मोनालाओ हवाई द्वीप यूएसए में, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, चिबराजो इक्वेडोर में, क्राकाताओ इंडोनेशिया में, एटना इटली में, फ्यूजियामा जापान में, किलीमंजारो तंजानिया, एकांगुआ अर्जेंटीना, को सुल्तान पाकिस्तान, दामबंद ईरान और ताल जो है फिलीपींस में। यहाँ से भी सवाल आते रहते हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल जो है सेडिमेंट्री रॉक है यानी कि अवसादी चट्टान, और उससे जो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, रूपांतरित रॉक बन जाता है, तो चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टर जेट और सेल से सलेट। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि संगमरमर जो है किससे रूपांतरित होकर के बनता है, तो चूना पत्थर से। वायुमंडल की संरचना, तो सबसे पहले टोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है जिनमें से कुछ अस्थाई गैस तथा कुछ अस्थाई गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन अस्थाई गैस कहलाती है जबकि अन्य गैसें अस्थाई गैसें हैं। ओजोन गैस धरातल के निकट जीव समुदाय के लिए हानिकारक होती है जबकि समताप मंडल में यह लाभकारी होती है। इसी प्रकार CO2 गैस निर्धारित सीमा में वायुमंडल में उपस्थिति से पृथ्वी के दैनिक तापांतर को नियमित रखती है। दूसरी तरफ पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यह ऊर्जा का स्रोत बनती है, इस प्रकार यह लाभकारी है जबकि इसके अत्यधिक उत्सर्जन से यह हानिकारक बन जाती है। वायुमंडल की गैसें एवं उनका प्रतिशत, तो नाइट्रोजन गैस 78.08%, ऑक्सीजन लगभग लगभग 21%, आर्गन 0.93%। इसके अलावा CO2, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और ज़ीनॉन गैसें भी पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 40.8%, उसके बाद सिलिकन, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम, और अगर हम लोग होल अर्थ का बात करें तो लोहा 35%, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकन। चक्रवातों के स्थानीय नाम, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली कहते हैं, चीन में टाइफून, जापान में टैफू या टाइफू, यूएसए में हरिकेन। इसके अलावा कैरेबियन क्षेत्र में भी चक्रवात को हरिकेन ही कहते हैं, भारत में साइक्लोन या चक्रवात, फिलीपींस में बागियो। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए किया जाता है और फुजीडा स्केल का उपयोग टोर्नाडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। डोलड्रम, दो हेडली सेल के मध्य बहने वाली शांत पवन को डोलड्रम कहा जाता है। अश्वक्षांश पवने हेडली एवं फेरल सेल के मध्य बहती है। व्यापारिक पवने हेडली सेल के धरातलीय पवन को व्यापारिक पवने बोलते हैं और पछुआ पवने फेरल सेल के धरातलीय पवने को पछुआ पवन कहते हैं। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को ITCZ बोलते हैं और यह विषुवत रेखीय एरिया को बोला जाता है। स्थानीय पवने चिनुक, रॉकी पर्वत क्षेत्र USA में बहती है। सेंटा आना दक्षिण कैलिफोर्निया USA में बहती है। ब्लैक रोलर USA में, जोंडा अर्जेंटीना में, सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर और इटली में भी बहती है। फॉन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और हर्मटन जिसको हम लोग डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जानते हैं गिनी तट पर बहती है। गिबली पवन लीबिया, खमसिन मिस्र, सामल इराक, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, सुखोवे रूस, कजाकिस्तान, लू जो है भारत में बहती है और यामो जापान। काल बैसाखी भारत में चलने वाली नॉर्वेस्टर पवने हैं। सिराको को रुधिर वर्षा कराने वाली पवन भी कहा जाता है और चिनिक को हिमभक्षी पवन कहा जाता है। तो ये हम लोग ठंडी पवन देख लेते हैं और कहाँ बहती है उसको भी देख लेते हैं।
बेल्जार्ड, सेवेरिया कनाडा और यूएसए में, मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस में, बोरा एड्रियाटिक सागर तट पर, लेवेंटर स्पेन, पुगा या बुरान रूस में, पेम्पेरो अर्जेंटीना, हबूब सूडान और सिस्तान जो है ईरान में बहने वाली ठंडी हवा का नाम है। वन एवं वनस्पति, तो वन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम जो है भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन नीति 1952 और इसको 1988 में संशोधित किया गया। संवैधानिक प्रावधान, राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा की बात करता है। मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं उनका संवर्धन करें, संवर्धित सूची में शामिल। बिल 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन एवं वन्यजीव को संवर्धित सूची में शामिल कर दिया गया। महत्वपूर्ण संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, वन अनुसंधान संस्था देहरादून उत्तराखंड, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एवं टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट आसाम में स्थित है। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, दाचीगम जम्मू कश्मीर, बुक्सा सुंदरबन नेब्रा वैली पश्चिम बंगाल, कॉर्बेट नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी उत्तराखंड, मन्नार की घाटी यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु कंचनजंगा सिक्किम, केवलादेव घाना रणथंभौर सरिस्का राजस्थान, सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय, केबू लामजाऊ मणिपुर, पेंच संजय गांधी तदोबा महाराष्ट्र में है, संजय पेंच पन्ना बांधवगढ़ कान्हा सतपुरा संजय यह मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, पेरियार शांति घाटी केरल, अंसी बांदीपुर बानेरघट्टा नागरहोल कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।